Hello everyone, it's tutorial number 3 on financial risk management. So my name is Halilullah. As I have already told you that I have done BBA finance from Guwahati University of Science and Technology, Pakistan. Today what we are going to learn are the duration of bonds, how to calculate duration of bond, Macaulay duration, modified duration, calculating modified duration. Also, we will studying the Macaulay duration calculation as well. Then we have two strategies, long duration strategy and short duration strategy. Please keep on track and listen to every word. You will learn a lot here today. Actually, ये जो duration of bond है, definition आपके सामने लिखी हुई है. Duration is the measure of how long an average the holder of a bond has to wait before he receives his payment on the bond. लेट से आपने किसी कंपनी का बॉन्ड लिया है, वो उस पर आपको कूपन देते हैं या इंटरेस्ट देते हैं, तो अब आपने कितने टाइम तक वेट करना है कि आपको उस बॉन्ड की प्राइस के साथ साथ उसके एनुअली जो कैश फ्लो जो आपको कूपन मिल रहा है वो भी मिले, और आपको कितने साल तक वेट करना होगा कि आपको पूरी अमाउंट मिल जाए, तो ये ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड कहलाता है. अब अगर हम देखें तो कैलकुलेशन की तरफ हम जाते हैं. ये आप देख सकते हैं कि एक केस स्टडी है, बैंक होल्ड्स 3 ईयर बॉन्ड्स विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1000. एक बॉन्ड है, 3 साल की मैच्योरिटी है उसकी, और 1000 रुपये का वो मिलता है आपको. उस पर आपको कूपन जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% मिलेगा, लेकिन हाफ ईयरली मिलेगा, मतलब कि 3% और 3% इस तरह. करंट यील्ड जो है वो 10% ऑन दिस बॉन्ड है. इस रेट से हम इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे कैश फ्लो की. ठीक हो गया. अब एनुअल कूपन जो 60 रुपये है, क्योंकि 1000 का 6% 60 रुपये बनता है, लेकिन हमने हाफ ईयर करना है तो 30-30 रुपये ही मिलेंगे. सही है. अब ये तरीका है आपका, एक तो पीरियड है ये 0.5, मतलब 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल. 3 साल पूरे हो गए. कूपन रेट आपको हर 6 महीने बाद कितना मिलना है, 30 रुपये. ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 30 रुपये लिखे हुए हैं, तो हर 6 महीने बाद आपको 30-30-30 रुपये मिलेंगे. अब अगर आप देखें तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में जाएं, जो एनुअल एनविटी है उसमें, वहाँ पे देखें कि पहले साल का होगा और 10% पे 1 साल का कितना अमाउंट है, तो ये आपके पास डिफरेंट अमाउंट आ जाएंगे. ये सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, इस तरह आपके पास आ जाएंगे. ये सॉरी, सेकेंड ईयर के लिए नहीं है, हाफ ईयर के लिए होगा, 6 महीनों के लिए. 6 महीने बाद ये, 6 महीने बाद ये, 6, 6, 6, इस तरह ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी. फिर आपने क्या करना है कि प्रेजेंट वैल्यू और ये जो दो चीज़ें हैं इनको मल्टीप्लाई करना है. आपके पास अमाउंट आ जाएगी 28, यानी जो 30 रुपये आपको 6 मंथ्स बाद मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू 28.57 रुपीज़ है. इस तरह आप करेंगे, 30 रुपये की हर 6 महीने बाद फाइंड करेंगे, तो आपके पास 2.5 साल बाद जो 30 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू होगी वो 23.51 आएगी. अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 30 रुपये है, लेकिन यहाँ पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू 7.68 है, ये क्यों? असल में ये 30 नहीं है, आखिर में आपको ये जो फेस वैल्यू है ये भी तो मिलने वाली है ना. तो 1000 + 30 = 1030 के साथ जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तब आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी. तो हमारे पास जो बॉन्ड है 1000 रुपये का, और उस पर हमें 6 मंथ बाद 30-30 रुपये मिलने वाले हैं, उसकी असल जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 898.49 रुपये है. अब आपने क्या करना है कि आपने वेटेज लेनी है. वेटेज कैसे लेंगे? आपने 28.57 को डिवाइड करना है 898 पे, जो इसकी वैल्यू है उस पे. ये देखिए, प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय प्राइस 898.49, तो आप इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा. 27.21 को 898 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा. इस तरह करते करते आपके पास ये सारे वैल्यूज आ जाएंगी. फिर आपने क्या करना है, आखिर में हम यहाँ पर ड्यूरेशन फाइंड करेंगे 6 महीने बाद वाली की. ठीक हो गया. तो उसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस, ये वाली वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे आप पीरियड के साथ.
किसके साथ, 0.5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। 0.5 नहीं, फिर आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना ये, तो आपके साथ ये वैल्यू आ जाएगी। आपने 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करना, ये वैल्यूज आपने लेनी है। अच्छा, ये जो पहले कॉलम में लिखी हुई हैं, इसको आपने फिफ्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये लिखा हुआ है 1 × 5, तो आपके पास ये अमाउंट्स आ जाएंगे, ये डेज आ जाएंगे, एंड डेज है। फिर आपके पास ये टोटल आ जाएगा। ये माइनस का निशान इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है ना, पहले 6 महीने ख़त्म, फिर 1 साल ख़त्म, फिर 1.5 साल ख़त्म, फिर इस तरह। तो आपको 2.7761 ईयर्स में आपके पास ये 898.49 की जो बॉन्ड की वैल्यू है ये मुकम्मल हो जाती है। 3 साल का था, आपको 2.7761 में मिलेगा, क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम देख रहे हैं ना, हम तो फ्यूचर वैल्यू नहीं देख रहे। फ्यूचर वैल्यू तो आपको 3 साल में ही मिलने वाली है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो जो कैश के वो जो बॉन्ड की है वो आपको 2.7761 ईयर्स में मिलने वाली है। तो ये एक तरीका था आपने ड्यूरेशन फाइंड करने का। इसके बाद हमारे पास दो किस्म की ड्यूरेशन है, एक मैकॉली ड्यूरेशन है, एक मॉडिफाइड ड्यूरेशन है। मैकॉली ड्यूरेशन ये कहता है कि आपने वेटेड एवरेज, जो अपनी हमने पहले तरीका किया वो तो एक टेबल के जरिए था ना, आप इसको इस फार्मूले के जरिए भी कर सकते हैं। ये एक साथ लिखा हुआ है, ये जो टी है ये डिनोट कर रहा है टाइम पीरियड, सी पीरियोडिक कूपन पेमेंट, वाई पीरियोडिक यील्ड, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स एंड मैच्योरिटी वैल्यू। तो ये सारा आप इधर से भी फाइंड कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, ये जो फैक्टर लिखे हुए हैं, सारा फार्मूला लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास मॉडिफाइड ड्यूरेशन आ जाता है। जो मैकॉली ड्यूरेशन था वो तो हमें ईयर में आंसर देता था ना, हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो प्राइस है बॉन्ड की उसका क्या इफेक्ट है इंटरेस्ट रेट चेंज होने पे, यील्ड टू मैच्योरिटी की जो रेट है उसके चेंज होने पे हमारा क्या फ़र्क पड़ता है प्राइस पे। तो ये हमें बताएगा मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला सिंपल ही है, मैकॉली ड्यूरेशन को डिवाइड करें 1 + YTM। YTM हमारे पास इससे पहले कितना था आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10% था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 0.1 हो जाएगा। मैकॉली ड्यूरेशन पे डिवाइड करें, आपके पास मॉडिफाइड ड्यूरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि मेजर डिफरेंस जो है मैकॉली ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन में क्या है। ये मैकॉली ड्यूरेशन जो है ये कैलकुलेट्स वेटेड एवरेज टाइम ईयर्स में हमें आंसर देता है, और यहाँ पे क्या करता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको बताता है कि आपके प्राइस और प्राइस ऑफ द बॉन्ड है उसका क्या इफेक्ट है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके यील्ड टू मैच्योरिटी के चेंज होने पर। फिर हमारे पास दो किस्म की स्ट्रेटजीज हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन स्ट्रेटजी और दूसरी है शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेटजी। लॉन्ग ड्यूरेशन स्ट्रेटजी वो लोग चाहते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन के बॉन्ड को अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल करेगा आखिर में। इसको आप पढ़ सकते हैं कि इट डिस्क्राइब्स एन इन्वेस्टिंग अप्रोच वेयर अ बॉन्ड इन्वेस्टर फोकसेस ऑन बॉन्ड्स विद अ हाई ड्यूरेशन वैल्यू। इन दिस सिचुएशन द इन्वेस्टर इज लाइकली बाइंग बॉन्ड्स विद अ लॉन्ग टाइम बिफोर मैच्योरिटी एंड ग्रेटर एक्सपोजर टू इंटरेस्ट रेट रिस्क। अ लॉन्ग ड्यूरेशन स्ट्रेटजी वर्क वेल व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर फॉलिंग। जब भी इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहे होते हैं किसी कंट्री की इकोनॉमी में, तब आपने लॉन्ग ड्यूरेशन स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है, और ये खास करके रिसेशन में होता है जब बिजनेसेस कंट्री के डाउन जा रहे होते हैं। अब शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेटजी जो है वो लोग अप्लाई करते हैं जिनको पता होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज करने जा रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो हमारी बॉन्ड की प्राइस जो होती है वो डिक्रीज कर रही होती है, तो जो बिजनेसमैन होते हैं उनको नुकसान होता है, तो वो क्या करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं ताकि उनकी बॉन्ड की प्राइस जो है वो ज़्यादा डिक्रीज ना हो। ये ट्यूटोरियल नंबर 3 था, आप ट्यूटोरियल नंबर 4 को भी वॉच करें। ट्यूटोरियल नंबर 3 से पहले अगर आपने 1, 2 को वॉच नहीं किया तो वो भी वॉच करें। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।